कौन है साइना नेहवाल की बहन चंद्रांशु। छोटी बहन ने पूरा किया मां का अधूरा सपना। दिल्ली चुनाव के दौरान स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ ही उनकी बड़ी बहन अब्बू चंद्रांशु नेहवाल भी शामिल हुई हैं। उम्र में चंद्रांशु साइना से काफी बड़ी हैं, लेकिन उनके बारे में कम ही लोगों को ज्यादा पता है। आइए जानते हैं किस क्षेत्र में धुरंधर रही हैं और भाजपा में उन्हें साइना के साथ एंट्री क्यों दी गई है। बता दें कि चंद्रांशु की पहले से भी राजनीतिक दलों में रुचि रही है और वे राजनेताओं के साथ की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करती रही हैं। लेकिन उन्होंने इस फील्ड में कदम तभी आजमाया है जब उनके साथ उनकी छोटी बहन साइना ने कमल थामा है। वॉलीबॉल खिलाड़ी रही हैं साइना नेहवाल की बहन चंद्रांशु। साइना नेहवाल के साथ उनकी बड़ी बहन अब्बू चंद्रांशु नेहवाल भी भाजपा में शामिल हुई हैं। साइना के परिवार के चारों सदस्य यानी उनके माता पिता और बहन सभी स्पोर्ट्समैन हैं। साइना की माऊशा रानी बैडमिंटन में अपने गृह राज्य हरियाणा का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। लेकिन भावनात्मक रूप से साइना के बेहद करीब उनकी बड़ी बहन चंद्रांशु की बचपन से रुचि बैडमिंटन की ओर नहीं बल्कि वॉलीबॉल की ओर रही है। हालांकि वॉलीबॉल में उनका करियर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया और वे शादीशुदा हैं और उनकी करीब 11.5 साल की बेटी है। वॉलीबॉल में वे मनचाहा मुकाम क्यों नहीं हासिल कर पाई इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अपना हाथ जरूर आजमाया है। छोटी बहन ने पूरा किया मां का सपना। एक इंटरव्यू में साइना की माऊशा रानी ने बताया था कि बचपन में चंद्रांशु काफी कमजोर थीं, जिसकी वजह से अक्सर मोहल्ले के बच्चों से पिट जाती थीं। इसके चलते वह बहुत ही सहमी रहने लगी थीं। उन्होंने वॉलीबॉल खेलना शुरू किया, लेकिन अस्थमा की वजह से वे इस खेल को करियर नहीं बना सकी और ज्यादा दिन तक खेल में नहीं टिक पाई। इसलिए माँ हमेशा चाहती थी कि उनकी छोटी बेटी साइना मजबूत बने और उन्होंने इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर बनकर अपनी माँ का सपना पूरा कर दिखाया। साइना के बारे में उषा रानी कहती हैं कि मेरी बेटी बहुत कूल है। इन बातों पर माँ बेटी के बीच झगड़ा भी हो जाता है। मदर्स डे पर दिए एक इंटरव्यू में साइना और उनकी माँ ने यह बताया था कि आखिर किन बातों पर उनका आपस में झगड़ा हो जाता है। साइना ने बताया था कि उनकी माँ उनके पिता से भी ज्यादा उनके पीछे की मोटिवेशनल फोर्स हैं। साइना अपनी माँ से कोई बात शेयर करना नहीं भूलती। साइना अपनी माँ की कितनी करीब है इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि वे जब घर पर रहती हैं तो अक्सर माँ के साथ एसी चलाने को लेकर झगड़ लेती हैं। मसलन साइना कहती हैं कि मम्मी एसी मत चलाओ, अगर मुझे सर्दी लग गई तो क्या होगा, और उनकी माँ कहती हैं थोड़ा चला लेते हैं, और आखिरकार साइना माँ की बात मान लेती हैं। उषा कहती हैं हमारे नुक झोंक सब की तरह ही हैं,